फिर हमारे डॉक्टर जय शंकर सिंह जी आए और पाल साहब अपनी टीम के साथ में आए यहाँ पर आके उसका सफल ऑपरेशन किया और जो मृत बछड़ा था उसको बाहर निकाला और साकुशल हमारी गाय को आके। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जयशंकर पाल, ब्लॉक वेटनरी ऑफिसर बेगमगंज। आज मैंने एक विदिशा जिले के गैरसपुर में एक केस देखा है जो कि सिजेरियन था। ये गाय काफी पीड़ित थी पिछले 24 घंटे से। इससे पहले कई एवीएफओ और डॉक्टर इसको देख चुके थे और गंभीर कंडीशन थी इसकी। इसका डिस्टो के पहले इसको टॉर्सन था तो लोगवागुन ने इसको पलटी दी पर बच्चा नहीं निकाल पाए। फिर लोगवागुन फीटोटोमी करी, अंदर ही उसके पैर भी काटे और सिर भी काट दिया था, अंदर ही छोड़ दिया था। ऐसी कंडीशन हो गई थी, वो काफ़ी सीरियस थी ये। फिर मुझे यहाँ बुलाया गया, फिर मैंने देखा इसमें इसकी वर्थ कैनाल में काफ़ी स्वेलिंग थी क्योंकि लोगवागुन ने हाथ डाल के इसको खींचा और इससे रफ्चर भी हो गई थी वर्थ कैनाल। और फिर मैंने इसका आखिरी फैसला लिया इसका सिजेरियन करना। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको साइट प्रिपरेशन करी साइट, फिर देन इसको एनेस्थीसिया दे दिया था 2% लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड और इसको ड्रिप भी लगाई मैंने, 5-6 लीटर फ्लूड थेरेपी दी। फिर इसके बाद में मैंने इसका इंसीजन दिया स्किन में, फिर देन फेसिया मसल यूटरस, फिर अच्छे से इसको पालपेट करा बच्चे को, फिर बच्चा मिलने बच्चे पकड़ के बाहर निकाला उसको, फिर इंसीजन दिया उसमें यूटरस में तो बच्चा बाहर निकाल लिए गए। वो बच्चा काफ़ी मतलब फूल गया था, वो उसी के अंदर मर चुका था क्योंकि उसकी गर्दन भी काट दी गई थी। वो बच्चा काफ़ी फूला हुआ दिख रहा था। इस कंडीशन में क्या हुआ कि बदबू भी आ रही थी फीटस से क्योंकि यूटरस के अंदर ही डिकम्पोजिशन होने लगा था इसका, क्योंकि 24 घंटा पहले इसकी उसमें डेथ हो चुकी थी यूटरस के अंदर फीटस की। मैं लोगों को यही सजेशन देना चाहता हूं कि आपको नहीं आता है सिजेरियन या फिर डिस्टोकिया करना तो उसमें मत हाथ डालो और किसी को चांस दो जिसको आता है, या उसके साथ में पहले आप अच्छे से सीख लो, फिर देन उसके बाद आप करना सीख जाओगे तो करने लगोगे। होता है क्या, लोग वाक ट्राई करने लगते हैं, सोचते हैं कि हम भी निकाल देंगे, पर होता क्या वो नहीं निकाल पाते और नहीं निकलने के कारण कभी कभी क्या होता है उसमें फीटस की डेथ हो जाती है और काफ़ी केस है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और यहाँ तक कि कभी कभी तो जानवर की डेथ भी हो जाती है इस कंडीशन में। जैसे कि आप देख रहे हैं इस केस में काफ़ी गाय सीरियस कंडीशन में है। मैंने ओनर से पूछा था इसकी हिस्ट्री के बारे में तो ओनर ने मुझे यही बताया कि सर इसका पिछले 24 घंटे से काफ़ी कुछ खा पी नहीं रही और लोगों को यहाँ पर मैंने बुलाया है लोकल डॉक्टर पैरावेट को तो उनने इसमें ट्राई भी किया पर काफ़ी कोशिश करी फिर भी वो नहीं निकाल पाए। फिर आखिरी में मुझे उनने कॉल करा ओनर ने, फिर मुझे वहाँ से बुलाया कि अभी मैं आया हूँ इसको देखने के लिए। फिर मैंने इसका सर्जरियन करने के लिए तैयार रहा। तो सबसे पहले मैंने किया इसका सिजेरियन में, सबसे पहले मैंने साइट प्रिपरेशन करी, एसेप्टिक कंडीशन रहना चाहिए ताकि कि इन्फेक्शन ना फैले अंदर। पहले इंसीजन दिया मैंने स्किन में, देन फेसिया मसल यूटरस, वो इसी मैनर में हमको उसको सुचरिंग करना है। सबसे पहले यूटरस में करेंगे, फिर मसल्स में करेंगे, फेसिया में, फिर स्किन में इंसिजन लगाएंगे। फिर इसके बाद 3-4 दिन तक इसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर करेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आपको एक एंटीबायोटिक कोई भी सेफ्टीफर सोडियम मैंने यूज करी यहाँ पर और एनेसाइडियम मिलोक्सिकम सीपीएम और वेलामाइल या ट्राइवीवेट यूज कर सकते हैं और फ्लूड थेरेपी देते रहेंगे ताकि इसको एनर्जी मिलती रहे कंटिन्यूस। इसके बाद 8-10 दिन में इसके जो एक्सटर्नल जो सुचर है स्किन में लगाए उसको रिमूव कर दिया जाएगा और रिकवरी। ये ग्यारहपुर की गौ सेवा समिति में एक गाय हमारी कम से कम 18 घंटे से परेशान थी, जिसको ब्याने वाली थी लेकिन किसी कारण से वो ब्या नहीं पा रही थी। तो सारे प्रयासों के बाद फिर हमारे डॉक्टर जय शंकर सिंह जी आए
और पाल साहब अपनी टीम के साथ में आए यहाँ पर आके उसका सफल ऑपरेशन किया और जो मृत बछड़ा था उसको बाहर निकाला और साकुशल हमारी गाय को आज बहुत मेहनत के बाद आप डॉक्टर साहब की टीम की मेहनत के बाद में और ये हमारी गाय सुरक्षित है और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस टाइप के कार्य हमारे साथ में डॉक्टर साहब करते रहेंगे ऐसी आशा है।